ना ही कोई टिक्स, ना ही कोई ट्रिक्स, ना ही कोई टिप्स, मैं कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, सिर्फ मैं कुछ दिन पहले और बहुत दिन भी पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। जी हाँ, 2018 में बनाया हूँ, शायद 2017 में बनाया होगा, पता नहीं, मुझे डेट नहीं पता, पर मैं बनाया है एक मेडिसिन के बारे में बताया हूँ, सन्यासी आयुर्वेदा। जी हाँ, अगर आप लोग जो जो सन्यासी आयुर्वेदा है, प्लीज़ आप लोग ही इस वीडियो को देखें। आज जो आप लोग नहीं जानते हैं सन्यासी आयुर्वेदा के बारे में, अगर आपको देखने का मन है तो देखिए, नहीं तो आप इस वीडियो को ना देखिए, ठीक है। तो जो सन्यासी आयुर्वेदा व्यूअर हैं, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप लोग का कमेंट और बहुत सारे मैसेज जो आए हैं मेरे कमेंट में, और बहुत सारे लोग बहुत सारा सवाल पूछे हैं, आज की इस वीडियो में पूरा आपको सवाल देने वाला हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत सवाल पूछा है, तो मैं इस वीडियो में पूरा आपको जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, भगा भगा कर देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। मैं पहले बोल देता हूँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। ये जो मास्क लगा के रखा ना, ये मास्क हटा कर भी अभी दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी कोरोना चल रहा है, इसलिए मास्क लगा के रहना पड़ता है। चलिए मास्क मैं हटा देता हूँ। ये देख सकते हैं मैं मास्क हटा दिया हूँ, और यहाँ से दोस्तों मैं अभी आपको बताऊँगा कि मैं घटा हूँ, बढ़ा हूँ, मेरे चेहरे काला है, गोरा है, कैसा हूँ, सब कुछ मैं बताऊँगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। सन्यासी आयुर्वेदा मैं खाया हूँ और बहुत दिन मुझे हो गया छोड़ा हुआ। तो सन्यासी आयुर्वेदा दवा मैं खा कर बहुत दिन हो गया मुझे छोड़ा हुआ, कम से कम 8 महीना 9 महीना हो गया होगा छोड़ा हुआ, क्योंकि मैं बहुत दिन पहले वीडियो बनाया था और 3 पैकेट दवा था कि 2 पैकेट दवा था, वो भी मुझे याद नहीं, 2 पैकेट दवा रहेगा, हाँ 2 पैकेट दवा था, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मेरे को कुछ भी, मेरे को मतलब बताना चाहता हूँ कि मेरे को क्या नुकसान नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको फिर बताऊँगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि जो कमेंट करते हैं दोस्तों, कमेंट में बहुत लोग बोलते हैं कि नंबर दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ पर्सनली। दोस्तों मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नंबर खोजते हैं, अगर मेरा पड़ोसी के, अगर या मेरा पड़ोसी के बगल के रहते तो मैं आपको नंबर दे देता, ठीक है। ये दुनिया में दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब नंबर खोजते। अगर हर एक यूट्यूबर अगर अपना नंबर शेयर करना लगेगा तो क्या होगा कि वो वीडियो बनाने छोड़ने के बाद, वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका फ़ोन ही इतना आएगा तो कि वो वीडियो बना ही नहीं पाएगा। आप लोगों को पता होगा कि लोग, बहुत लोग ऐसे हैं कि नंबर मांगता है। तो दोस्तों नंबर कैसे दे सकता हूँ, नंबर कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि नंबर देना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। आप लोग को पता होगा कि नंबर कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि नंबर देने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा काम नहीं है। चुटकियों में नंबर दे सकता है कोई भी, लेकिन दोस्तों अगर हज़ारों लोग, 2000 आदमी अगर आपका नंबर मांगेंगे तो आप देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। अगर आप मेरा पड़ोसी के बगल के रहते तो मैं आपको नंबर देता। चलिए अच्छे इस बात को हटाते हैं, जो समझने वाले होंगे वो समझ ही गए होंगे कि नंबर नहीं मिल सकता है। आप लोग को जो भी पूछना है कमेंट में बताइए, हो सकता है उसका कमेंट का मैं रिप्लाई दूँ और उस पर मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो ये बात ख़त्म हो गया, चलिए दूसरा बात कर लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं तुझे साइड इफेक्ट हो गया, तुझे बुखार लग गया, तू वीडियो क्यों नहीं बना रहा है, अब उसके बारे में। तो दोस्तों मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि मेरा ये जो चैनल है ना, ये टैग चैनल है, टिप्स और ट्रिक्स ब्लॉग हर तरह के वीडियोस पे अपलोड करता हूँ, और मेडिसिन के बारे में बताता हूँ। बस मैं एक बार किल लिया था क्योंकि मेरे शरीर में प्रॉब्लम था, इसलिए मैं इस दवा को खाया तो मुझे फ़ायदा हुआ, इसलिए मैं खाया, ठीक है। इसलिए मैं इस पर वीडियो बना दिया था, मैं सोचा था क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बना दूँ कि लोगों, अगर जो जो जिसका जिसका जो प्रॉब्लम होगा वो अपना अपना सही कर लेगा। तो मेरे को दोस्तों यही होता था कि मुझे भूख वूख नहीं लगता था और शरीर भी नहीं बनता था, कुछ भी खाता था कुछ लगता ही नहीं था शरीर में, बस इसी के लिए वो दवा मैं लिया था और मैं वीडियो बनाया था। और ये मेरा टेक चैनल है, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं दवा खाया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मेरा शरीर अभी दे सकते हैं ना, काला हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, आपको सामने आपको रियल दिख रहा हूँ, देख सकते हो मेरा हाथ पूरा, सब कुछ देख सकते हो, यहाँ पर पूरा है मेरा, यही बदन है, बाल उल सब देखो, सफ़ेद नहीं हुआ, काला ही है अब। और बहुत लोग बोलते हैं ये कि तुम्हारा साइड इफेक्ट हो गया, तुमको बुखार लग गया, ये सब पूरा क्या क्या बोलते हैं पता नहीं है, उसका रिप्लाई मैं कैसे करूँ बताओ, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों का इतने ही शक होता ना, तो एक बार ला कर खा लीजिए। जी हाँ, एक बार आप मंगा कर खा लीजिए, फिर भी आपको पता, आप एक बार ला कर खा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है नहीं होता है। दोस्तों मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपको सेट होता है, अगर आप 2 दिन 3 दिन खाते हैं आपको सेट होता है तो ही खाइए, वरना आप मत खाइए। मैं पहले बोल देता हूँ, मैं ना कोई डॉक्टर हूँ, ना ही कोई बड़ा सा मैन या कोई ब्रांच वाला डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं एक टैग चैनल खोल के रखा हूँ, तो मैं इस पर दोस्तों मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं आप लोग को कोई दवाई
खाने के लिए नहीं बोलता हूँ, बस अगर आप लोग खाना चाहते हो, अपने शरीर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से चेक करा के खाइए। क्योंकि मैं ये दवा जो मंगाया हूँ सन्यासी आयुर्वेदा, मैं किसी से चेक नहीं कराया था, डाइट में बुक कर लिया था, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम था पहले से ही, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे भूख कम लगता था और शरीर भी नहीं बनता था, यही मुझे प्रॉब्लम था, शरीर नहीं बनता था, भूख भी कम लगता था और जितना भी खाना खाता था पता नहीं वो लगता था कि नहीं शरीर में, मुझे पता नहीं। लेकिन दोस्तों उस दवा को खाने के बाद दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा हो गया, पहले से मैं डिफरेंट हो गया था। और मैं आपको वीडियो में भी दिखाया था, बहुत सारी वीडियो बनाया हूँ और उसमें भी मैं आपको भी यही बात बताया हूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ दवा से। अगर आप लोग खाना चाहते तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, अपने शरीर को पहले चेक कर लीजिए कि मैं ये दवा खा सकता हूँ नहीं खा सकता हूँ, ठीक है, तो ही आप बुक कीजिएगा दवा के, वरना आप लाएंगे दवा तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग दवा खाना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर या अपने जो भी डॉक्टर लोकल है, गाँव का डॉक्टर है, अगर आप लोग गाँव में रहते गाँव में जाकर पूछ सकते हैं कि दवा मैं खा सकता हूँ या नहीं खा सकता, इसमें क्या प्रॉब्लम है या नहीं प्रॉब्लम है वो बता देगा, तो आप खा लीजिएगा। अगर आप लोग का शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप लोग खा रहे हो उस दवा को तो आपको सेट वो करेगा। क्योंकि और दोस्तों मेरा शरीर भी दे सकते हो, मेरा शरीर भी वैसा ही है जैसा मैं पहले भी था, और मेरा बाल भी दे सकते हो, ना ही सादा ना ही वाइट, जैसा पहले था वैसा ही है सब कुछ सब। मेरा चेहरा भी दे सकते हो वैसा ही है जैसा मैं पहले भी दिखाया था, ठीक है। तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना ही मुझे कोई बुखार है, ना ही कोई साइड इफेक्ट है। तो आप लोग हो सकता है इस वीडियो में देखने के बाद सबको पता चल गया होगा कि मैंने क्या क्या बताया और क्या क्या नहीं बताया, ठीक है। अगर कुछ गलती हो गया, कुछ मिस हो गया बोलने में, अगर कुछ नहीं बता पाए तो आप नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो में आपको समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट करके नीचे बताइएगा। चलिए, तो हो सकता है आपको वीडियो में पता चल गया होगा कि मैं वीडियो में क्या क्या बताया हूँ। अगर वीडियो में कुछ मिस हो गया, कुछ अगर मैं नहीं बताया हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप ये नहीं बताएं, तब मैं उसका हो सकता है नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा पूरा जानकारी, ठीक है। आप लोग जो जो पूछना चाहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैंने क्या क्या नहीं बताया उसका भी सवाल नीचे जरूर कमेंट कीजिए। हो सकता है वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मन हो तो कर देना सब्सक्राइब, वरना आप रहने देना, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बस इतना काम जरूर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि तो ही मुझे पता चलेगा कि कौन कौन इस वीडियो को देखा और किसको किसको कैसा लगा आप बताएंगे। तो बाय बाय, अगर हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं बताऊंगा कभी भी सन्यासी आयुर्वेदा के बारे में। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।